हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हम ये व्लॉग काफ़ी जल्दी जल्दी में स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे को पापा कॉल आया कि उन्होंने गाड़ी का जो व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करवानी थी उसके लिए गाड़ी खड़ी कर दी वहीं पे। वो किसी काम से गए थे गाड़ी लेके। मेरे को लगा जब वो आ जाएंगे तब ले जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहीं रुक गए और अभी मैं जा रहा हूँ स्कूटी लेके ताकि वो उधर से अपना ऑफिस निकल जाएंगे और हम गाड़ी लेके वापस आ जाएंगे। साथ में मेरे को यार दाढ़ी थोड़ी सी ट्रिम करानी है कि एज यू नो कल से ट्रिप शुरू हो रही है, उसके लिए थोड़ा अच्छा दिखना भी जरूरी है ताकि फोटोज अच्छे हैं इंस्टाग्राम के लिए ऑब्वियसली। तो चलो चलते हैं। यार ये टायर देख के मुझे एक गेम की याद आ जाए, तुम्हें मैं डाल दूँ ट्रांजिशन में, मतलब बहुत डरावना सा सीन है। और इधर अपनी गाड़ी धुल रही है, बाकी सारा काम तो हो गया, बस गाड़ी धुल नहीं रह रही और दो चार काम हो रहे थे और उसके बाद एकदम डन हो गया मामला। यहाँ आया अलग वाइब, ऐसा लग रहा है मैं अपनी कोई सुपर कार बहुत तगड़ी मॉडिफाई करवाना है, इतने अलॉयज की वैरायटी है। मेन मुस्टैंग में वो लगा दो एक बार या फिर वो अलग ट्राई करके देख लेते, बस मारुति सुजुकी हटा देना भैया। 21 इंची अलग गियर दो, घंटे से ज़्यादा हो गया यार, मैं थक गया और जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट भी निकल गया। तो मैं सोच रहा पास में कोई कैफ़े है वो कुछ खा पिया हूँ। 15 मिनट तक तो मैंने टाटा प्ले वाले से जग मारी कॉल पे, उनका कोई नया एंड्रॉयड स्मार्ट सेटअप बॉक्स आया कुछ ऐसा सही था नाम, मैंने एंड में कह दिया कि लगवाना नहीं। बिल्कुल नहीं पता था कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा वरना मैं कुछ खा के आता, और अभी रिश्ते आ रहा है फिर देखते हैं कहीं घूमने चलते हैं, घूमने नहीं मतलब खाने चलेंगे। पिदा दिए तन्ने सही में भाई। है? अरे मैं भूल गया था मुझे आना है भाई। हाँ, मैं 20 मिनट में मगर धूप में खड़ा, चल खड़ा हो जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुझे देख के मुझे एक बात याद आई, कल रात में दिलवाले देख रहा था। दिलवाले देखी तूने? नहीं। शाहरुख खान की यार, उसमें एक लाइट है रामलाल होटल मैनेजमेंट करते करते चक्का हो गया, फिर बाद में कह रहे अरे नहीं नहीं मतलब रामलाल के चक्के छूट गए। भाई अपडेट तो दे दे कर भाई, हम अभी अल्टीमेट वाले के अल्टीमेट ही पेटीज खा रहे, बहुत अल्टीमेट आदमी हो भाई। देखो तेरी जो ऑनलाइन लिखाई हो नहीं। क्यों हंस रहा है पहले तो क्यों बता? किसके? मेरे मम्मी ने धोए इस पर तो लड़ाई हो जाएगी कि पहन के जाने हो नाइस शूज मैन। मेरे पे तो सॉक्स भी नहीं है पहनने को, देख तेरे पे कम से कम होता है। बहुत अमीर हो भाई तुम। बनिया हूँ भाई, ऐसे मत बोल, बनिया हूँ, खरीद भी लूंगा। जैसे तू होटल मैनेजमेंट कर रहा है तो ये तो सिखाया होगा ओवन और माइक्रोवेव में क्या फर्क होता है। भाई ओवन में बेक होता है, माइक्रोवेव में गर्म होता है। स्टार्ट करो। तो लोग केक माइक्रोवेव में कैसे बना ले फिर? बंद करिए एक मिनट बताऊं। भाई रहन दे, बता अब कैसे भाई? हम मुझे नहीं पता। कल मैनेजमेंट कर रहा था उसका क्या मतलब है? अरे भाई होटल किचन से रिलेटेड तो सिखाते होंगे ना। अभी एक लड़की बैठी होती सारा बता देती। वैसे मैं इतना फालतू क्यों बोल रहा, पता तो मुझे भी नहीं। मेरे भी तो फीलिंग नहीं है। हाँ, गाड़ी बिल्कुल नई जैसी होगी भाई एकदम। ये जो खुशबू है ना पॉलिश की, बस यही चमका रहा है मुझे एकदम क्लीन। और यहाँ पे भी उसमें बहुत ज़्यादा धूल भरी हुई थी तो ये भी अब क्लीन हो गया नया लग के क्योंकि। चलो हाँ, तो प्लान में थोड़ा चेंज हो गया। मम्मी एक कॉल आया था कि डायरेक्ट मंडी आ जा, मतलब मार्केट में। तो अभी हम मार्केट में आए हैं ब्रोस कुछ सामान लेने के लिए। 500वीं बार चांद बली के सामने से निकलते हुए, वो भी बिना कुछ खाए। मैं अपनी सॉक्स पहनना भूल गया, क्या ही इतने सारे निकलवा लिए लेकिन इसमें से पसंद कौन सा नहीं है। मम्मी जो आपने कह दिया वो ही फाइनल है। हल्की 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 कर
घर आ चुके फाइनली बहुत ज़्यादा थके हारे दिन के बाद, और अब जाके बस वीडियो एडिट करूँगा और तुम्हारे लिए अपलोड करनी है। तो अपलोड करके और बस खाना खा के सारी पैकिंग हो चुकी है, बस फिर कल सुबह निकलेंगे ट्रिप के लिए। और मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली आज, मतलब मैं सुबह 10 बजे से ही बाहर हूँ और अब जाके घुसा हूँ। क्या टाइम हो रहा है 6:34 और अब आया हूँ बिल्कुल, जस्ट गाड़ी अंदर की है और अब बैठे तुम्हारे लिए मैं, मतलब ये भी व्लॉग भी एडिट ही कर रहा था और तभी निकल गया था और तब से अब आया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट तो चाहे ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है, पर सारी चीज़ करते हैं। बाय।